क्षिति जा फ्रॉम एमएनएस न्यूज लाइव। देखते हैं आज की चटपटी खबरें। पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स से बदतमीजी, फेसबुक पर सुनाई अपनी दास्तान। मिस इंडिया यूनिवर्स 2010 उशोशी सेन गुप्ता ने कल रात एक फेसबुक पोस्ट शेयर की है, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सोमवार रात को कोलकाता में एक 5-स्टार होटल से एक उबर बुक की थी। उशोशी और उनका कलीग उस वक्त कैब में मौजूद थे। पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर पोस्ट किया, इस दौरान अपने साथ हुए खौफनाक अनुभव को शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि रात लड़कों के ग्रुप किस तरह उन्हें परेशान कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मामले में लापरवाही दिखाई। भाईजान की इस शर्टलेस फोटो पर लाखों फैंस हुए फिदा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान फैंस के दिलों पर राज करते हैं। फैंस को उनका एटीट्यूड बेहद पसंद आता है। सलमान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शर्टलेस फोटो शेयर किया है, जिसे देख फैंस फिदा हो गए हैं। उनकी इस फोटो को अब तक मिलियन लोगों ने लाइक किया है। सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। उनकी पॉपुलैरिटी उनकी फिल्म रिलीज से पता चलता है। हाल ही में रिलीज हुई सलमान की फिल्म भारत के फर्स्ट डे कलेक्शन से पता चलता है। फैंस उनकी फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। सारा और कार्तिक फिर दिखे साथ। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों को अक्सर साथ साथ देखा जाता है। हालांकि पिछले दिनों खबर ही आई थी कि सारा और कार्तिक अब साथ साथ नजर नहीं आएंगे। दरअसल दोनों इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 में नजर आएंगे। इस संबंध में इम्तियाज अली ने बयान दिया था कि सारा और कार्तिक फिल्म के सेट के अलावा बाहर मिलना जुलना कम कर दे। दरअसल अली को लगता है कि दोनों अगर ज्यादा मिलना जुलना करे तो उनकी फोटो सोशल मीडिया पर छपेगी, जिससे फिल्म रिलीज के पहले उनकी जोड़ी से लोग बोर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तक फिल्म रिलीज न हो जाए दोनों बाहर मिलना जुलना कम कर दे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।